नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटी अन्य राज्यों में होगी लागू, डीके शिवकुमार ने बताया। कर्नाटक में आज से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, कांग्रेस सरकार ने शक्ति योजना शुरू की। कर्नाटक सरकार ने शक्ति योजना शुरू की, महिलाएं पड़ोसी राज्यों में 20 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा का आनंद लेंगी। भाजपा ने प्रतिशोधित कर्नाटक सरकार के खिलाफ लड़ाई में पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया। कर्नाटक महिलाएं ट्रांसजेंडर व्यक्ति 11 जून से सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। आरपीएफ महिला कांस्टेबल ने वरंगल रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन के नीचे आने से यात्री की जान बचाई। समान समाज के लिए हर व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, सिद्धरामैया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने उज्जैन में महाकालेश्वर महाभैरव मंदिरों का दौरा किया। साल के अंत में एमपी चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की। हैदराबाद के पुजारी ने अपने अफेयर को छिपाने के लिए प्रेमी की हत्या कर दी। उसके लापता होने की पुलिस में शिकायत की, 4 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। उद्धव ठाकरे और शिवसेना का डर दिखाई दे रहा है, गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर संजय राउत का पलटवार। कार्यकाल विस्तार की मांग कर रहे पीएचडी छात्रों ने पुणे में विरोध प्रदर्शन वापस लिया, अदालत जाने पर विचार कर रहे हैं। बेटियों से यौन शोषण का सबूत मांगा, पीएम का वीडियो शेयर कर बोले सुरजेवाला। 21वीं सदी के महामानव का मन कितना। कपड़े उतारे, दुकान का सामान फेंका, कश्मीर में तैनात जवान का आरोप, 120 लोगों ने मेरी पत्नी को पीटा, पुलिस ने बताया अफवाह। शिंदे ने जम्मू कश्मीर एलजी से मुलाकात की, श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन का प्रस्ताव रखा। ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा, फाइनल में भारत को 209 रनों से हराया। विपक्षी एकता में फूट, बैठक से पहले मायावती का चौंकाने वाला ऐलान, माजी को भी न्योता नहीं। आम आदमी पार्टी की महाकैंप रैली, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा बोले सुना है दिल्ली के सीएम। स्टालिन जी कान खोलकर सुन ले, केंद्र सरकार से कामों की लिस्ट मांगने पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की छोटी बेटी अहाना देओल एंटरटेन इंडस्ट्री में रणवीर सिंह की पहली रोमांटिक पार्टनर थी। 2024 का चुनाव लड़ेंगे यौन उत्पीड़न के आरोपी बीजेपी सांसद भूषण। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी दर व्यक्तिकरण के संयोजक पर निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू की। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।